एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक ट्रायंगल हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। ए बी और सी इसके वर्टिसेस हैं, सही। अब ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 6, 3 और सी जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, सही। अब इसके अलावा हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, मिड पॉइंट डी, ठीक है, ऑफ ए बी। ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट बनता है, ए बी लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पर बनता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये जो है मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, जिसका नाम उसने डी रखा हुआ है, ठीक है। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सही। तो उसने कहा क्या था, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी एंड द मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी, ई ऑफ ए सी, ए सी साइड का मिड पॉइंट जो है यहाँ पर आके बनता है, जिसका नाम वो उसने ई पॉइंट रखा है, ठीक है। तो कहता है कि इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके एक लाइन बनती है ई डी ई लाइन, ठीक है। ये लाइन जो है हमने शो करना है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल टू बी सी, मतलब कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो और हमने क्या प्रूव करना है इसमें कि डी ई, डी ई का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है, सही, ठीक है। ये चीज़ हमने जो है शो करनी है या प्रूव करनी है। एक तो ये तो सेकंड थी और फर्स्ट हमारे पास क्या थी, पहली चीज़ थी कि ई डी जो है या डी ई जो है वो पैरेलल है, पैरेलल साइन ये होता है पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एक ही हमने शो करना है। और दूसरा डी ई जो उसकी लेंथ है, डी ई की लेंथ, इस साइड की लेंथ जो है वो बी सी लेंथ के हाफ है, ठीक है। 1/2 ऑफ बी सी मतलब हाफ ऑफ बी सी है, उसका आधा है, हिस्सा है, ठीक है। तो पहले पार्ट पे हम आते हैं, पहले पार्ट में डी ई इज पैरेलल टू बी सी वो हम कैसे शो कर सकते हैं। तो पैरेलल जैसे कि हम पहले पढ़ते आए हैं स्लोप्स के थ्रू के पैरेलल साइड्स की स्लोप इक्वल होती हैं, तो हम इसके अगर स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं और अगर वो स्लोप्स इक्वल आ जाती हैं, स्लोप्स किस किस की, एक डी ई लाइन की स्लोप और बी सी लाइन की स्लोप अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो स्लोप्स अगर इक्वल आ जाती हैं, उनकी वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, तो उसका ये मतलब होगा कि हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों लाइन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको शो करेंगे। लेकिन अब डी ई लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करें, डी ई लाइन की स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कोई से भी दो पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हो वो हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम पॉइंट वो स्लोप फार्मूला से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि एम इज इक्वल टू क्या होता है, y2 - y1 over x2 - x1, सही है। अब यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर भी नहीं है इसके के कोई इसके परपेंडिकुलर लाइन दी होती हमें, तो हम उससे उसके प्रोडक्ट स्लोप्स के प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 रखते हैं, तो फिर हमारे पास जो है इसकी स्लोप आ जाती, ऐसा भी कोई सीन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो है क्या हमारे पास के अब ई और डी पॉइंट्स हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई और पॉइंट लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है। हम किस तरह से कोई क्या ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे निकालूंगा, बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत सोचना पड़ेगा। तो इससे आसान तरीके पे हम आते हैं कि ई जो है और डी जो है वो हमें कहा हुआ है कि वो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा हुआ है डी क्या चीज है, एज द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। डी जो है ए बी साइड का मिड पॉइंट है, मतलब कि हम इसको मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 2 होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, मतलब कि -1 + 6 / 2, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम क्या होगा, 2 + 3 / 2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, मतलब कि ये बन जाएगा डी -5 / 2 बन जाएगा, 5/2 / 2, ये एक मिड पॉइंट आ गया,
ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए जो कि इस लाइन के ऊपर डी लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक और पॉइंट हमें चाहिए तो हम ई पॉइंट ले लेते हैं। ई पॉइंट भी हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सी लाइन का मिड पॉइंट है, तो हम इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम माइनस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई टू माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसको सॉल्व करके हम लिख लेते हैं ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, माइनस वन टू माइनस वन हो जाएगा वन वन बाई टू, और साथ में माइनस टू बाई टू इज माइनस वन, ये ई पॉइंट आ गया। ठीक है, डी पॉइंट भी आ गया और ई पॉइंट भी हमारे पास आ गया। अब हम इसकी स्लोप ई डी की स्लोप आराम से फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ई डी लाइन या ई डी साइड जो भी इसे कहें। तो इसकी स्लोप कैसे आएगी, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। ई पॉइंट जो हम फाइंड कर चुके हैं, इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लें। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स वन, और वाई कोऑर्डिनेट वाई वन। इसी तरह से इसको एक्स टू कहते हैं और वाई टू कहते हैं। तो इस फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। तो पुट करते हैं वाई टू, वाई टू जो है फाइव बाई टू माइनस वाई वन माइनस वन, सही, डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू जो है फाइव बाई टू है माइनस एक्स वन वन बाई टू है, सही। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, फाइव बाई टू प्लस वन, फाइव बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय 5 बाई टू माइनस वन बाई टू, सही। तो 5 बाई टू माइनस वन बाई टू, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 7 बाई टू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 7 बाई टू डिवाइडेड बाई टू, मतलब कि 7 बाय 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है किसे, 2 से, तो मतलब हम कह सकते हैं 7 बाई टू मल्टीप्लाई 1 बाई टू इज 7 बाई 4। तो इसकी स्लोप जो आ गई है, स्लोप ऑफ डी ई साइड इज इक्वल टू 7 बाई 4। ठीक है, स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, स्लोप के बाद हमें पॉइंट को ही चाहिए होगा, बल्कि नहीं, हमने इसकी स्लोप ही फाइंड करनी थी। अब हमने शो करना था कि इस लाइन की स्लोप जो है वो बी सी लाइन की स्लोप के इक्वल है, तब जाके हम प्रूव कर सकेंगे ना कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो बी सी लाइन की स्लोप भी हमें चाहिए होगी। ठीक, तो अब हम बी सी लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, बी पॉइंट चाहिए और सी पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमें पहले से गिवन हैं, ठीक है, तो वो हैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 6.3, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पहले से गिवन है 2.-4। अच्छा, ये अब हम इसमें इसको एक्स वन कह देते हैं, इसको वाई वन कह देते हैं, इसको x2 और इसको y2। अच्छा, अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज, y2 माइनस फोर है माइनस y1, y1 3 है डिवाइडेड बाय x2, x2 2 है माइनस x1 जो है वो 6 है। इसको सिंपलीफाई करें तो माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 4, सही। तो इसकी वैल्यू, अब ये दोनों आपस में माइनस जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7/4। ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 7/4, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको जो ऊपर हमने स्लोप फाइंड की थी उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब देखें, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू, मतलब कि स्लोप ऑफ डी ई, उसकी वैल्यू 7/4 है, और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में स्लोप ऑफ बी सी जो है वो भी 7/4 है, मतलब कि दोनों की स्लोप्स इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, हमने दोनों की स्लोप्स कैलकुलेट की तो उन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं, उसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, सही। तो दोनों की स्लोप्स इक्वल हैं, तो मतलब हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ है कि डी ई जो साइड है
वो पैरेलल है बीसी के, क्योंकि दोनों की स्लोप्स इक्वल आ चुकी हैं। जिन दो लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती हैं उन वो उसका मतलब होता है कि वो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, सही। तो अच्छा, अब ये तो हो गया एक पार्ट उसका कि हमने पैरेलल प्रूव करना था, और दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि डी ई की जो लेंथ है, डी ई की लेंथ मतलब कि डी ई इज इक्वल टू है, डी ई की लेंथ बराबर है हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, बी सी की लेंथ के हाफ है। तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हमें दोनों की लेंथ चाहिए होंगी, तभी हम देख सकेंगे कि वाकई हाफ है या नहीं है, ठीक है। तो डी ई की लेंथ हम पहले कैलकुलेट करते हैं, डी ई की लेंथ कैसे आएगी, हमने फार्मूला पहले पढ़ा था, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, डी से पॉइंट ई तक जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, इसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट, सही। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई की लेंथ आ जाएगी, सही। तो अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं वो क्या थे, डी लाइन के कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, सही, उसके कोऑर्डिनेट थे फाइव बाई टू कॉमा फाइव बाई टू, वो हम दोबारा से इधर लिख लेते हैं, फाइव बाई टू कॉमा फाइव बाई टू। अच्छा, इसी तरह से ई पॉइंट जो कि ए सी लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है, ई पॉइंट जो है ए सी लाइन का मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वन बाई टू कॉमा माइनस वन, वन बाई टू कॉमा माइनस वन, वो भी लिख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे और डिस्टेंस इन दोनों का निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। अब इसको हम एक्स टू कह देते हैं, ठीक है, एक्स टू, इसको वाई टू, और इसी तरह से इसको एक्स वन और इसको वाई वन, सही। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज, एक्स टू वन बाई टू माइनस एक्स वन इज फाइव बाई टू, इसका स्क्वायर प्लस वाई टू जो है वो है माइनस वन, माइनस वाई वन है फाइव बाई टू, ये स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, तो डी ई की लेंथ आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू क्या बनेगा, माइनस फोर बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर बाई टू मतलब माइनस टू का स्क्वायर प्लस, अच्छा, माइनस वन माइनस फाइव बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस सेवन बाय टू, सही, माइनस सेवन बाई टू का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, अब माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू इज फोर, प्लस सेवन बाई टू का स्क्वायर फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई फोर, सही, इसका स्क्वायर रूट मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लें फोर, अच्छा फोर सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट, अच्छा मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन, सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी फाइव, और डिवाइडेड बाई फोर इसका स्क्वायर रूट। तो डी ई की लेंथ जो है वो बराबर आ रही है 65 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट ले लें तो वो 2 आ जाएगा, सही। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अच्छा, ये तो होगी डी ई की लेंथ, मतलब डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस हो गया। तो अब हमने फाइंड करना है बी सी की लेंथ, ठीक है, बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं। बी सी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट बी चाहिए होगा और सी चाहिए होगा। बी सी की लेंथ इज इक्वल टू एक्स टू, वही डिस्टेंस फार्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक। अब बी पॉइंट, बी पॉइंट जो हमें पहले से गिवन है, बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं सिक्स कॉमा थ्री, सिक्स कॉमा थ्री, और इसी तरह से सी पॉइंट, सी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं टू कॉमा माइनस फोर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज पुट करेंगे,
तो वैल्यूज पुट करने से पहले इसको हम एक्स वन कह देते हैं, इसको वाई वन कह देते हैं, इसको एक्स टू और इसको वाई टू। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, एक्स टू टू माइनस, अच्छा अब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो एक्स टू टू माइनस एक्स वन सिक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा और साथ में प्लस वाई टू, वाई टू की वैल्यू माइनस फोर है सही। अब वाई वन उसकी थ्री है ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट ये बन जाएगी बी सी की लेंथ ठीक है। तो टू माइनस सिक्स इज माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो इसको स्क्वायर लें तो सिक्सटीन प्लस फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटी फाइव सही। बी सी की लेंथ हमारे पास आ गई अंडर रूट सिक्सटी फाइव। अच्छा अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे दें। अब देखें इक्वेशन नंबर थ्री की वैल्यू, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री में डी की वैल्यू अंडर रूट सिक्सटी फाइव बाय टू है और बी सी इक्वेशन नंबर फोर में बी सी की वैल्यू अंडर रूट सिक्सटी फाइव है, तो कंपेयर अगर करें तो क्या बनता है? अगर इसको मैं मज़ीद इस तरह से कर दूं कि टू इंटू डी ई, टू डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटी फाइव है सही, इसको इक्वेशन नंबर फाइव कह देते हैं। अब कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन नंबर फाइव और इक्वेशन नंबर फोर को, क्योंकि दोनों की राइट साइड इक्वल्स हैं ठीक है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन फाइव एंड फोर, तो क्या होगा, दोनों की राइट साइड इक्वल हैं तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर फाइव की लेफ्ट साइड जो है टू डी ई है, तो इसकी लेफ्ट साइड जो है इक्वेशन नंबर फोर की वो क्या है, बी सी। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन ठीक है। अब यहाँ से हम देखें टू को उधर जाकर डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई टू सही। यही हमने प्रूव करना था कि डी ई की लेंथ बराबर है बी सी के हाफ की, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं ठीक है। तो इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें, इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने ये देखा था कि तीन वर्टिसेस हमें एक ट्रायंगल के गिवन हैं ठीक, तो उस ट्रायंगल में क्या है कि डी जो है हमें मिड पॉइंट दिया हुआ था जिसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, बल्कि हमें कहा हुआ है कि डी जो है वो एक मिड पॉइंट है साइड ए बी का ठीक है। ये ट्रायंगल थी हमारे पास, इसमें जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट वो क्या है, मिड पॉइंट है ए बी साइड का ठीक है। और इसी तरह से ई जो है वो भी हमें गिवन है, उस हमें कहा गया है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी लाइन का या ए सी साइड का। तो साथ में हमें कहा गया है कि इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, जो साइड बनती है, जो लाइन बनती है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ये हमने शो करना है ठीक है कि ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनती है वो बी सी के पैरेलल है, वो हमने शो करना है। तो हमने कैसे शो किया कि दोनों की हमने स्लोप्स फाइंड की सही। तो सबसे पहले तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं ठीक है, स्लोप फार्मूला पुट करने के लिए। तो हमने उसके लिए क्या किया, मिड पॉइंट्स फार्मूला से हमने डी पॉइंट भी फाइंड किया, ई पॉइंट भी फाइंड किया सही है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए, तो हमने डी ई की स्लोप फाइंड की और फिर हमने बी सी साइड की स्लोप हमने कैसे फाइंड की कि बी पॉइंट हमें गिवन था पहले से, सी पॉइंट भी गिवन था और फिर हमने इस लाइन की भी स्लोप फाइंड कर ली। तो जब हमने दोनों की स्लोप्स फाइंड की तो उन दोनों की स्लोप्स इक्वल आई ठीक है। जब इक्वल आई तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले से प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब दो साइड्स की स्लोप्स इक्वल आ जाएँ तो वो आपस में पैरेलल साइड होती हैं या फिर दो पैरेलल साइड की स्लोप आपस में हमेशा इक्वल होती हैं ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। और दूसरी चीज़ क्या हमने प्रूव करनी थी कि डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है सही, मतलब कि डी ई की डी ई डिस्टेंस जो है वो बी सी का हाफ है। तो यहाँ से हमने ये कैसे प्रूव किया कि पहले हमने डी ई की लेंथ निकाली ठीक है, डी ई का मैग्नीट्यूड निकाला, वो कैसे निकाला, डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया ठीक है, और फिर बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, फिर जो दोनों के रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करके देखा तो वाकई ही क्या बन रहा था, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया सेकेंड जो
ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।